तो छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट्स का इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है, नोटिफिकेशन जारी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है छात्र व शिक्षक के 400 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती जो है ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है। अगर आप छात्र व अधीक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो छात्र व अधीक्षक बनने के लिए सबसे पहले तो आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और साथ में आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स में यदि आपने जो ITI कोपा की या फिर आपने DCA की या फिर आपने PGDCA की या फिर आपने BCA की या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो, डेफिनेटली आप आवेदन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर पाओगे और आप जो है छात्र व अधीक्षक भी बन सकते हैं। कंप्यूटर्स मेन इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर्स पर ही सबसे अधिक आपको फोकस करना है। 50 अंकों के प्रश्न जो है कंप्यूटर्स में पूछे जाते हैं। टोटल अगर हम सिलेबस की बात करें तो 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जिसमें के लिए कंप्यूटर से 50 अंकों के जिसमें कम से कम आपको 25 अंक लाना आपको अनिवार्य। यदि कंप्यूटर्स में 50 में 25 अंक आता है तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। तो कंप्यूटर्स में 50 में 25 अंक लाने के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय इस बुक से आपको तैयारी करना चाहिए। परीक्षा मंथन का बुक जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपको पूरा कंप्यूटर्स के बारे में A to Z to the point जो है नॉलेज मिलेगा, जिसमें आपका MS Office हो गया, MS Office जिसमें आपका MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access इन सभी चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज पूछे जाते हैं, जो कि आपके सिखारिक स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट है। सो तैयारी अच्छे से करो, मेहनत अच्छे से करो और जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा सफलता और उतनी ही ज़्यादा कामयाबी आपको फिर मिल पाएगा। इसलिए कोशिश करते रहना, मेहनत करते रहना, तैयारी करते रहना और जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा और उतने ही ज़्यादा सफलता फिर आपको मिल पाएगा। इसलिए मेहनत अच्छे से करो। आई होप वीडियोस पसंद आए, वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।